सो गाइज, अगर आप भी अपने YouTube के हर एक वीडियो में अपने चैनल का लोगो लगाना चाहते हैं तो आप कैसे लगा सकते हैं? एंड आपने काफ़ी क्रिएटर को देखा भी होगा, उनके चैनल में उनका लोगो लगा रहता है। अगर आप उस क्रिएटर की वीडियो को कुछ इस प्रकार से फुल स्क्रीन पे देखते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से उसके चैनल का लोगो देखने को मिलता है। एंड अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा एंड वहाँ पर आपको सर्च करना होगा YouTube.com। आप जैसे YouTube.com लिख के सर्च करते हैं, कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन होकर आता है। आपको ऊपर की ओर 3 डॉट देखने को मिलेंगे, आपको उस पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे आपको नीचे की ओर एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको उस पर क्लिक करना है। आप उस पर जैसे ही क्लिक कर देंगे, नया पेज ओपन होकर आ जाएगा एंड वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। एंड फिर आपको ऊपर की ओर इसे जूम करना है एंड फिर आपको आपके चैनल का लोगो देखने को मिलता है। जैसा कि आपको यहाँ पे मेरा चैनल का लोगो देखने को मिला होगा, आपको उस पर क्लिक करना है एंड फिर आपको नीचे की ओर ये योर चैनल का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप उस पर जैसे ही क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे ब्लू कलर में 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, कस्टमाइज चैनल एंड मैनेज वीडियो। मैं आपको इसे जूम करके दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, कस्टमाइज चैनल एंड मैनेज वीडियो। तो आपको कस्टमाइज चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक कर देंगे, नया पेज फिर से एक और ओपन होकर आ जाएगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा एंड ये थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है लोडिंग होने में। सो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना होगा एंड फिर जैसे ही ओपन होकर आ जाता है, आपको इसे ऊपर की ओर जूम करना है एंड फिर आपको यहाँ पे भी 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसा कि मैं आपको इसे जूम करके दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, लेआउट, ब्रांडिंग एंड बेसिक इन्फो। सो आपको सेकंड नंबर पे ब्रांडिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ब्रांडिंग, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांडिंग वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको 3 ऑप्शन और देखने को मिलते हैं जहाँ से आप अपना चैनल का लोगो लगा सकते हैं एंड अपने प्रोफाइल पिक्चर एंड बैनर जो भी है। सो आपको सबसे नीचे की ओर यहाँ पे आपके वीडियो वाटरमार्क का ऑप्शन देखने को मिलता है लिखा हुआ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेंज एंड रिमूव का ऑप्शन देखने को मिला है मुझे, क्योंकि मैंने पहले से लगा रखा है। एंड आपको यहाँ पे एक अपलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको मेरे चैनल का लोगो देखने को मिल जाए, यहाँ के साइड आपको एक अपलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है एंड फिर ये कुछ गैलरी ओपन होकर आ जाएगी। आपका जो भी चैनल का लोगो है आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। एंड जैसे ये फिर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा एंड फिर आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक कैंसिल एंड एक सेव। आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। आप उस पर जैसे ही सेव कर देंगे, आपका वाटरमार्क हर एक वीडियो में लग जाएगा, जैसा कि मैं इसे सेव कर देता हूँ। सो मैंने तो पहले से ही कर रखा है इसलिए मैंने इसे कैंसिल कर दिया है। आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद इसे आपको ऊपर की ओर जूम करना है एंड फिर यहाँ पे आपको एक पब्लिश का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको उसे पब्लिश कर देना है। जैसे आप कर देंगे आपका काम हो जाएगा ख़त्म एंड ये आपकी वीडियो में वाटरमार्क लग जाएगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते किसी दूसरी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।